तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो है तमिलनाडु में जो है लोक सेवा आयोग के तहत जो है प्रोबेशन ऑफिसर के लिए जो है 2337 पोस्टों का वैकेंसी आ चुका है। इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हम लोग घर बैठे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी देखने वाले हैं। अगर ये वैकेंसी है तो हम लोग किस तरह अप्लाई करेंगे, आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले होस्ट के तो मेरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उससे जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, इसे देखते हैं, उसे समझते हैं। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन ओपन करके रखे हुए हैं। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के तब जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम ओपन करके रखे हुए हैं। पहले इसे हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं इसमें आप लोग किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन ओपन है, जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं 687 या नोटिफिकेशन नंबर जो है 8024, डेट जो है 26 जून को ही जारी कर दिया गया है। कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ग्रुप 2 एंड II सर्विस के तहत जो है जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, तो लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम इन द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट की बात करते हैं। तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट 19 जुलाई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो जो 20 जून से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, कब से स्टार्ट हो चुका है, 20 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। वही बात करते हैं एप्लीकेशन करेक्शन, अगर आपका फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि या किसी तरह गलती होता है तो आप 24 जुलाई से लेके जो है 26 जुलाई तक आप कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। वही बात करते हैं डेट एंड टाइम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो 19 सितंबर में जो आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका टाइमिंग रहेगा, एग्ज़ाम का टाइमिंग आपको पहले दे दिया गया है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह अप्लाई करेंगे वो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। और एप्लीकेशन करेक्शन विंडोज़ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जैसे टोटल 79 पेजों का है, टोटल कितना पेजों का है, 79 पेजों का है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपको वही बताऊंगा, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। अब वीडियो अगर आपको सही लगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा नीचे करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि और इसमें जानकारी जो आपके लिए खास होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टोटल पोस्ट की पेंशन है कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर की बात करते हैं, जिसमें पोस्ट कोड की बात करते हैं 1068 है, और नेम ऑफ द सर्विस तमिलनाडु लेबर सबमिटेड सर्विस, जो कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट लेबर के लिए है। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 13 वैकेंसी है। लेबर आपका पे लेबर जो आपका लेबर 18 के आधार पर CPS के आधार पर आपका रहने वाला है। दूसरा है डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसका जो कोड है 1013 है, और इसमें टोटल पोस्टों की बात करते हैं 336 पोस्टों की वैकेंसी है। और आगे है जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए, जिसमें कुल 5 पोस्टों की वैकेंसी है, और प्रोबेशन ऑफिसर में कुल 1 पोस्टों की वैकेंसी है, सब रजिस्टर में जो है कुल 5 पोस्टों की वैकेंसी है। इस तरह टोटल देखते हैं कि इधर जो है टोटल 507 पोस्ट इधर अलग है, और इधर जैसे टोटल जैसे बात करते हैं, और आपको इधर टोटल कुछ अलग इधर पोस्ट देखने को मिलेगा, देश सब में अलग अलग पोस्ट है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे। इधर टोटल 1820 पोस्ट अलग है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे। अगर आपको फॉरन अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है किस पोस्ट के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट का आपको नाम देख लेना, डिटेल्स देख लेना है, क्योंकि इतना सारा जो पोस्ट है जो जिसमें कुछ कुछ अलग अलग भी पोस्ट है उतना बताना तो संभव है नहीं, आप एक बार देख लेंगे। और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और इसमें देखते हैं और क्या एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट आपका 1/7/2024 तक में आपको पूरना चाहिए। तो एज लिमिट क्या क्या है सब में देख सकते हैं, जैसे कि एज लिमिट यानी कुछ में 26 साल से लेकर 42 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, और कुछ फॉर्म जो 18 साल से लेकर 32 साल, कुछ फॉर्म जो 21 साल से लेकर 32 साल, कुछ फॉर्म जो 20 साल से लेकर 32 साल तक फॉर्म करेंगे, और कुछ जो 18 साल से लेकर 32 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। यानी कुछ में हर एक फॉर्म में अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का डिटेल्स आप देख लेंगे, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस मैं आपको वही बताने की कोशिश करूँगा। और हर एक पोस्ट के क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सबों के लिए अलग अलग है। जैसे कि स्पेशल ब्रांच असिस्टेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये डिग्री आप यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी जो आप लोग किए हुए हैं
वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे वो एक मास्टर जिनके डिग्री जिनके पास है वो लोग ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। और स्पेशल असिस्टेंट के लिए बात करते हैं, एक डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन एंड जिन्हें जो यूनिवर्सिटी से जो किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जैसे अगला जो पोस्ट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट स्टार के लिए जो एग्रीकल्चर के हुए एनिमल हुंड्राई क्लिक किए हुए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, आप एक बार खुद से देख लेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। सबका पोस्ट कोड जो नाम ऑफ द पोस्ट और पोस्ट कोड भी दे दिया गया, पोस्ट कोड देख लेंगे। और हाइट की बात करते हैं, मेल जैसे फॉर द पोस्ट फॉरेस्ट स्टार के लिए अगर अप्लाई करते हैं इसमें मेल कैंडिडेट वालों के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल या थर्ड जेंडर वालों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वही चेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल 79 सेंटीमीटर चाहिए और दोनों में फूल आने के बाद जो होते हैं 5 सेंटीमीटर का अंतर रहना चाहिए। फीमेल में 74 जो थर्ड जेंडर होते हैं उसको भी 74 और उसमें जो 5 सेंटीमीटर गैप रहना चाहिए, यानी कि अगर बिना फूला हुआ 74 फूलने के बाद जो है उनका 79 होना चाहिए, ये डायरेक्ट मेंशन है। और आगे बात करते हैं, हाइट तो आपको हम बता दिए और इसमें देते हैं और क्या क्या जानकारी है वो आप हम आपको देख लेते हैं। इधर तो कुछ नहीं है, एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे दे दिया, सिलेबस भी जारी कर दिया क्या है। सिलेबस को जनरल स्टूडेंट में 75 क्वेश्चन रहेगा और मेंटल में जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज जनरल में जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका जो 3 घंटे का एग्जाम रहेगा और नंबर का मार्क्स जो 90 नंबर का आपका रहेगा। तो आप वो भी एक बार सिलेबस भी आप अपना देख सकते हैं और इधर तो कुछ है नहीं खास। और इसमें देख लेते हैं कहीं फोटो की बात करते हैं, आपको फोटो जो है 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट में ना चाहिए वेथ में, और इधर जो और आपका जो है इधर 3 सेंटीमीटर, यानी कि फोटो जो है आपका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और बीच में जो नाम आपका रहना चाहिए करंट नाम जो होना चाहिए वो आपका जो 1.5 सेंटीमीटर गैप रहना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर क्या रहना चाहिए गैप नाम का प्लेट का, और टोटल जो फोटो आपका रहना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर का, और वेथ की बात करते हैं आपका रहना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया फोटो का। आप जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट का नाम भी दे सकते हैं, दे दिया गया है, यानी यहाँ पे तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट भी नाम दे दिया गया है। और इधर तो कुछ है नहीं खास। अब ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट फी, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो इसमें फॉर्म भरने क्या फ़ी भी कहीं मेंशन है या नहीं, बस वो देख लेते हैं। इधर तो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है और इधर कहीं भी एप्लीकेशन फ़ी तो हमको नहीं दिख रहा है, पेज नंबर 41 में ही है। अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी अगर आपको लगता है तो आप हमें जरूर बता देंगे। अब ये जानने के बाद सर ये हम लोग किस तरह सर्च करेंगे फॉर्म वाकई में सही है या नहीं है, इसके लिए क्या करना है आपको, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना है टी, क्या लिख के सर्च करना है TNPSC, क्या लिख के सर्च करना है फॉर्म अगर देखना है या अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको TNPSC लिख के सर्च करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टच करेंगे। रिक्वायरमेंट आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस नोटिफिकेशन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन नंबर जो 8/2024 में पहले आपको बताया था, और स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं 20 जून से स्टार्ट है और 19 जुलाई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं 14 सितंबर से आपका एग्जाम रहेगा। तो फॉर्म देखने के लिए नोटिफिकेशन देखने के लिए इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वैसे मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा ताकि आपको इसमें सर्च करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ जैसे तमिलनाडु लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि मुझे पता नहीं है। अब हम चाहे तो इसको हम ट्रांसलेटर भी करके यहाँ पे समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपको तमिलनाडु के आप लोग हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको अप्लाई का प्रोसेस क्या है। तो आपको हम अप्लाई का भी लिंक दे देंगे और नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे, आप घर बैठे अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया तो हो सके आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले समय में इस तरह का अपडेट या वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उस जानकारी ले पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वैकेंसी से। धन्यवाद, बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।